तो हेलो दोस्तों, मैं करण सोन, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल क्रिकेट जी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं इंडिया टीम के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। दोस्तों वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि क्या प्रोसेस है इंडिया टीम तक पहुंचने का। दोस्तों बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, तो दोस्तों ये वीडियो बनाने में बहुत सारे रिसर्च के तब जाके मैं ये वीडियो बना पाया। तो सबसे पहले तो आपको किसी लोकल क्लब या एकेडमी को ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पे आप एक प्लेयर के रूप में उभर के आओगे और बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखोगे। दोस्तों बहुत सारे एडवांटेज हो जाते हैं एकेडमी ज्वाइन करने के, और जितना हो सके आप लोकल के मैचेस खेलते रहो, वहाँ से आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस आएगा। देन उसके बाद जब आप एक अच्छे प्लेयर के रूप में उभर कर आओगे तो आपके सामने होता है सबसे बड़ा चैलेंज डिस्ट्रिक्ट की टीम से खेलना। दोस्तों डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे टूर्नामेंट्स होते हैं जहां पे आपको अपना अच्छा परफॉर्मेंस देना पड़ता है, जैसे जोन, डिस्ट्रिक्ट, इंटर डिस्ट्रिक्ट, डिविजनल, सीनियर, जूनियर। दोस्तों मैंने डिस्ट्रिक्ट के सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर प्रॉपर वीडियो बना रखी है, आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आता है स्टेट। अगर आप डिस्ट्रिक्ट में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो आपको डायरेक्टली स्टेट के कैंप के लिए सिलेक्ट किया जा सकता है। ट्रायल के बेसिस पे भी यहां पे सिलेक्ट किया जाता है। दोस्तों अगर आप स्टेट की जिस भी टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हो अंडर 16 या अंडर 19, वहां पे अगर आपका अच्छा परफॉर्मेंस रहता है तो आपको मौका मिलेगा रणजी या अदर डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में सिलेक्ट होने का। स्टेट की टीम में अगर आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहता है तो आपको इंडिया अंडर 19 टीम में भी सिलेक्ट होने का मौका मिल सकता है। स्टेट की टीम से आप आईपीएल में भी सिलेक्ट हो सकते हैं, बट उसके लिए आपका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके लिए आपका स्ट्राइक रेट, रन रेट एक टॉप लेवल का होना चाहिए। दोस्तों डोमेस्टिक टूर्नामेंट जैसे दिलीप ट्रॉफी, देवगढ़ ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी और इंडिया अंडर 19। तो उसके बाद आता है आईपीएल, इंडिया ए, चैलेंजर ट्रॉफी। दोस्तों आप डोमेस्टिक से भी इंडियन टीम में सिलेक्ट हो सकते हैं, इंडिया अंडर 19 से भी आप इंडिया टीम में सिलेक्ट हो सकते हैं, इंडिया ए, आईपीएल, चैलेंजर ट्रॉफी, कहीं से भी आप इंडिया टीम में सिलेक्ट हो सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक प्रॉपर वे से ही गुजरना पड़ता है इंडिया टीम तक। देखा जाता है तो सिर्फ परफॉर्मेंस, अगर आप एक अच्छे प्लेयर हो, आपके पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है, आपका परफॉर्मेंस एक टॉप लेवल का है, तो फिर लेवल मैटर नहीं करता है। अगर आपका इंडिया टीम में खेलने लायक परफॉर्मेंस है, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, तो आपको इंडिया टीम से बुलावा आ जाएगा। सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि मेरे को डिस्ट्रिक्ट की टीम से खेलना है। सबकी जर्नी अलग होती है, सबका वे अलग होता है। आप शुरू तो कीजिए, आपको खुद ब खुद आगे सब कुछ पता चल जाएगा कि क्या प्रोसेस होता है। कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। वीडियो का लाइक है 2000 लाइक्स, तो यार फटाफट से पूरे कर देना।